सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया पे काम करते हो, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया पे आप काम करते हो, तो आपको एक माइक की जरूरत होती है अच्छे क्वालिटी के लिए। तो गाइस, मैंने एक ऐसे कम बजट में और अच्छे क्वालिटी का मैंने एक अमेजोन से परचेस किया है माइक। तो गाइस, आज मैं उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, इस माइक का सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद माइक के साथ देखने वाले कि माइक के साथ हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो चलते हैं, पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स में ये फिलहाल माइक है, और ये जो माइक है, माइक का नाम है मोनो AU100, और ये नॉर्मली आप यूज कर सकते हो वीडियो शूटिंग, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू थे, और इसका आप कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में भी नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो रियल अमाउंट है 2499 रुपये, और ये मुझे ऑनलाइन से मैंने इसको परचेस किया तो मुझे 850 रुपये में डिस्काउंट के साथ मिला हुआ है। इसके अंदर का आपको मैं रिव्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका ये यूज़र मेन्यू है। आप ये मेन्यू को आप पढ़ सकते हो डिटेल में। ये माइक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको माइक किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइक, ये कॉलर क्लिप है। और गैस, ये जो माइक है, इस माइक का जो वायर है 6 मीटर है, और इसको कन्वर्ट करते हो फीट में तो टोटल यहाँ पर 20 फीट का ये माइक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर सेल लगाने के लिए। और ये जब सेल आपका ख़त्म हो जाता है तो नॉर्मली यहाँ पर आप इसको यहाँ से निकाल कर और आप यहाँ पर लगा सकते हो। और इसके साथ मुझे एक बैग मिला है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, और बैग के साथ देखते हैं क्या मिला हुआ है। बैग के साथ भी हमें एक सेल मिला हुआ है एक्स्ट्रा, जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और ये चीज़ मिला हुआ है जो आप माइक में अटैच करने वाले हो यहाँ पर, तो आपको इस तरह से इसमें अटैच करना है, और इसको बोलते हैं कॉलर क्लिप। इस कॉलर क्लिप को आपको कैसे लगाना है, देखो ये आप जो देख रहे हो, इसको आपको सिंपली प्रेस करना है अपनी ओर, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली कॉलर में लगाना है और आपको स्टार्ट करना है वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर गाइस आप भी परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर परचेस कर सकते हो। और गाइस, आपको एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप नॉर्मल डीजे में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डीजे के लिए है, और ये जो केबल है आपको सिंपली इसमें जैसा अटैच करना है, अटैच करने के बाद आपको सिंपली डीजे में लगा देना है, उसके बाद हम नॉर्मली माइक यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।